बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, मैं हाजिर हूँ मदनी इस्लामिक चैनल की तरफ से, और मैं आपको एक बहुत ही प्यारी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। काइंडली मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जी, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माह शबान की 15वीं शब की फजीलत। इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए इसमें क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इतला दी जाती है, और जितना जितना रिज़्क़ मखलूक को इस वर्ष में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम इसको बख्श दें, कोई रिस्क मांगे तो हम इसको रिस्क दें, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो इसको मुसीबत से दूर करें। इस तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं कि बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत किया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें, और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर मुशरिक कीना रखने वालों को और कातिल को नहीं बख्शता। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।